दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस नीपापोती अभी भी करने में लगी हुई है। वो सुसाइड मान करके ही चल रही है केस में, केस को यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि मर्डर हुआ है तो फिर उसे ढूंढना पड़ेगा कि मर्डर किया किसने, और फिर उसको उसी से सवाल पूछना पड़ेगा जिसको जिससे उसने पैसा खाया है, जिसका वो तालाबाज चाटता है, मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार जो है पूरा दाऊद से मिला हुआ है, और वही इसके लिए उसी के लिए काम करते हैं ये लोग। तो ये लोग जैसे ही इसको मर्डर मान लेंगे तो इनको तो फिर उलझा पड़ा कि मारा किसने तो बहुत ही साफ है, सलमान खान ये सब लोगों ने मिलकर के, करण जौहर लोगों ने मिलकर के, महेश भट्ट लोगों का साजिश है, मारने वाला अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, उनका नौकर, उनका दोस्त, बाकी लोग सब मिले हुए हैं। अब मुंबई पुलिस इतना घटिया घटिया बयान देती है। मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की माँ को डिप्रेशन था, वहीं से इनको डिप्रेशन हुआ और ये डिप्रेशन से मरे हैं, सुसाइड किए हैं। इतना इतना घटिया बात, ना सुशांत सिंह राजपूत इस बात को जवाब दे सकते हैं और ना ही उनकी माँ आज दुनिया में। सुशांत सिंह राजपूत अगर ऐसा सुनते तो वो मुंह तोड़ देते मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स का। वो सच्चे बेटे थे, उनकी माँ का देहांत हुआ है, चोट लगने से ब्रेन हेमरेज हुआ था उनका, और उससे उनकी माँ का देहांत हुआ था। मुंबई पुलिस बोलती है कि उनको डिप्रेशन था, सुशांत सिंह राजपूत की माँ को, उसी से फिर सुशांत सिंह राजपूत को भी डिप्रेशन हुआ और डिप्रेशन का दवाई खाते थे, जबकि ना कि उनके रूम से कोई डिप्रेशन का दवाई मिला है ना कुछ मिला है उन्हें, सिर्फ एक फिर मुंबई पुलिस अब उनके एक साइकेट्रिस्ट है उससे जो है सो अब उसका बयान ले रही है कि अब साबित करना चाहेगा कि डिप्रेशन के लिए दवाई हो दवाई। तो सारे लोगों को बेच करके, खरीद करके लोग जो है इसको डिप्रेशन का मरीज बता करके और सुसाइड साबित करने में लगा हुआ। तो जब तक ये केस सीबीआई को नहीं जाता है तब तक हमें कुछ भी आशा रखना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने तो निश्चय कर लिया है और उसका कोई कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि वो तो दाऊद के लिए काम करती है। अब मुंबई पुलिस कोई स्वतंत्र एजेंसी तो है नहीं, मुंबई पुलिस तो महाराष्ट्र सरकार के अंदर में है, और ये जब ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार ही दाऊद से मिली हुई है, और जब दाऊद से मिली हुई है तो इनसे कुछ आशा रखना बेकार है। तो जब तक इसमें केंद्र और सीबीआई नहीं कूदती है तब तक इस केस में बिल्कुल न्याय नहीं हो सकता। ये मामला बहुत ही सीरियस है, इन लोगों को विश्वास है कि ये केस ऐसे ही बंद हो जाएगा जैसे कि जिया खान और दिव्या भारती का केस बंद हुआ, उसी तरह से ये केस भी बंद हो जाएगा, लेकिन ये होने वाला नहीं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक महान इंसान थे, एक सच्चे इंसान थे, उनको इस दुनिया से इस तरह से नहीं मरना चाहिए था। इन लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, अब इनको सज़ा कोई इंसान नहीं देगा, इनको सज़ा प्रकृति देगी, इनको सज़ा इनका कर्म देगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये पाप पूरा फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगा, क्योंकि पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर मुजरिम पकड़ा जाता, उनको सज़ा हो जाता तो अच्छा था, कुछ लोग ही बदनाम होते, बॉलीवुड बच जाता, लेकिन अगर मुजरिम नहीं पकड़ाया तो पब्लिक का गुस्सा बढ़ता चला जाएगा और बॉलीवुड इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, लोग पूरे बॉलीवुड को बायकॉट करेंगे, कोई नहीं बचेगा, चाहे वो इनसाइडर हो आउटसाइडर हो, क्योंकि इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सारे लोग चुप हैं, कोई भी एक भी बड़ा एक्टर सीबीआई का जांच के लिए मांग नहीं कर रहा है। बूढ़ा सलमान अमिताभ बच्चन जाकर के अस्पताल में बैठ गया है और कोरोना का मरीज बन करके जाके वहाँ से ड्रामा कर रहा है, जबकि जो कुछ हुआ नहीं है, जो छूट मूट का ये वहाँ जाकर के लीलावती अस्पताल का प्रचार करने के लिए, इसको कुछ काम तो मिल नहीं रहा है लॉकडाउन के कारण, तो यही सब काम कर रहा है। ये सब बहुत बड़ी साजिश है, इसको समझना होगा। सारे लोगों को लग रहा है कि हम लोग आज नकल हार मान ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों का नींद हराम हो रखा है, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा करना पड़ रहा है। मैं भी अपना बात बता सकता हूँ,
मैं भी अपने दिमाग से इस चीज़ को भूल नहीं सकता, पता नहीं क्यों। तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं देश या विदेश में हर जगह जो कि इनसे नफरत है, करते हैं बॉलीवुड से, अब जो कि इनसे उतना ही प्यार करते थे। सलमान खान का आज फैन फॉलोइंग घट करके जीरो लगभग बढ़ता चला जा रहा है, और ये लोग अपना फिर भी कुछ न कुछ कर करके ये लोग अपना अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं पैसा के दम पर। लेकिन सारा पैसा लगा लो लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारा नफरत बढ़ता जाएगा और तुम लोगों को बर्बाद होना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा रहेगा जो मुजलिम है अपने आप को सरेंडर कर दे, बॉलीवुड बच जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सलमान खान हो, करण जौहर हो। तो जो जो भी सुशांत सिंह राजपूत का गुनाहगार है, जो जो भी लोगों ने उसे तंग किया है, उनका तो बाइकआउट होगा ही, और बाकी जो भी बॉलीवुड है पूरा का बाइकआउट होगा, क्योंकि पूरा बॉलीवुड चुप है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई भी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक शब्द नहीं, सिर्फ उनको मरने के बाद रेस्ट इन पीस, बस इतना बोल करके सारे लोग चुप हो गए। उसके बाद किसी का जुबान में पता नहीं ताला लग गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो पूरा बॉलीवुड चुप है, और इसका खामोशी का कीमत चुकाना पड़ेगा। और मुंबई पुलिस का के बारे में क्या कहा जाए, तो पूरी तरह से बिकी हुई है, दुनिया का सबसे करप्ट पुलिस सिस्टम मुंबई पुलिस है। जब तक ये केस मुंबई पुलिस के पास है, हमें कोई भी आशा नहीं रखना चाहिए, और जितना भी दम हो, जितना भी जल्दी हो, ये केस सीबीआई के पास जाए, तभी ये इंसाफ होगा, और ज़रूर होगा, और जैसे भी होगा, कुछ भी करके होगा, इंसाफ हम तो लेके रहेंगे। और सुशांत सिंह राजपूत को जैसे उनको मारा गया है बेरहमी से, गला घोट करके, एक एक गुनहगार को फांसी होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। फांसी से कम कोई भी सज़ा इनको नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने इतने महान और इतने अच्छे इंसान को मारा है, ये इनको जो है सो गुनाह भारी पड़ेगा। दोस्तों, आप अपना हौसला बनाए रखें, जंग जारी रखें, हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और इनको सुशांत राजपूत को हम जरूर न्याय दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।